सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम रियल एस्टेट और फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप उस पर होम लोन लेना चाहते हैं, तो बैंक जनरली आपको दो ऑप्शंस देते हैं। एक होता है आपका प्री ईएमआई का ऑप्शन और दूसरा होता है फुल ईएमआई का ऑप्शन। अब प्री ईएमआई का ऑप्शन क्या होता है, किस तरीके से ये डिफरेंट होता है फुल ईएमआई के ऑप्शन से, और आपको प्री ईएमआई का ऑप्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए या किन केसेस में लेना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिए। एज ऑलवेज चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो प्री ईएमआई को समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है और लेट से इसका जो कंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड है वो 12 महीने का है। वैसे जनरली 2 से 3 साल का कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड होता है, बट एग्जाम्पल में हम समझने के लिए 12 महीने का एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो इसमें मान लीजिए इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपने एक लोन लिया है, मान लेते हैं कि आपका जो लोन अमाउंट है वो 36 लाख का है। टोटल प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है वो हम 45 लाख रुपए मान लेते हैं। अब ये जो प्री ईएमआई का ऑप्शन है, एक बात आप ध्यान रखिए कि ये हमेशा सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ही होता है, ये रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के अंदर ऑप्शन नहीं मिलता है। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ये खाली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के केस में ही अवेलेबल होता है ये वाला ऑप्शन। तो अब हम वापस अपने एग्जांपल में आते हैं। मान लीजिए आपने ये 36 लाख का लोन लिया है, इंटरेस्ट रेट आपको जो पर एनम मिल रहा है वो 8.5% का मिल रहा है और लोन पीरियड हम मान लेते हैं 20 साल का है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं इसके अंदर। पहला ऑप्शन आता है कि आप इसकी फुल ईएमआई भर दें। तो फुल ईएमआई अगर आप भरते हैं तो आपकी जो ईएमआई होती है वो 31,242 आ जाती है। अब इसके लिए मैंने एक ईएमआई कैलकुलेटर बनाया हुआ है और ईएमआई कैलकुलेटर का मैंने एक वीडियो बनाया था, आप वो वाला मेरा वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप मेरा ईएमआई कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप मेरा ईएमआई कैलकुलेटर देखेंगे उससे आप आराम से ये ईएमआई निकाल सकते हैं, 31,242 की ईएमआई आ जाती है। फिर साथ ही में आपका जो टोटल इंटरेस्ट पेएबल है 20 साल का वो आ जाता है करीब करीब 39 लाख का। ये भी आप ईएमआई कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं काफी आसानी से। तो अगर आप फुल ईएमआई का ऑप्शन भरते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप ये पूरा 31,242 रुपए का डे वन से पैसा भरना शुरू कर देंगे। लेकिन अब दूसरा प्री ईएमआई का ऑप्शन होता है, उसके अंदर क्या होता है कि आप प्री ईएमआई इंटरेस्ट रेट अगर मैं मान लूं तो ये आपका आता है लेट से 0.71% का। तो 0.71% बेसिकली ये मैंने 8.5% को 12 से डिवाइड कर दिया है, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं 8.5% डिवाइडेड बाई अगर आप 12 कर देंगे तो ये आपका 0.71% आ जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि प्री ईएमआई के अंदर किस तरीके से पेमेंट होती है बिल्डर को और किस तरीके से आपकी प्री ईएमआई स्टार्ट होती है। तो ये देखिए, ये मैंने एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया हुआ है। तो मान लीजिए ये 12 महीने की कंस्ट्रक्शन पीरियड है तो इसके अंदर आप हर महीने 3 लाख रुपए देते हैं। अब ये मान लीजिए आपको 36 लाख रुपए बिल्डर को देने हैं, अब इसमें हमने 45 लाख में से आपने मान लीजिए डाउन पेमेंट कर दी, डाउन पेमेंट तो आपने कर दी है, कितने की बची इसमें 9 लाख रुपए की, राइट। तो इसमें हमने ये अज्यूम कर लिया है कि 9 लाख रुपए की तो आपने डाउन पेमेंट कर दी ओन सोर्सेज से अपने, और उसके बाद आपने ये 36 लाख का लोन लिया और अब ये धीरे धीरे आपकी पेमेंट जाएगी। तो ये जो पेमेंट है ये 3 लाख रुपए महीना जाती है, मान लीजिए हर महीने 3 लाख रुपए जा रहे हैं, राइट। तो ये जो आपके यहाँ पे मैंने इस कॉलम में टोटल डिसबर्समेंट लिखा है, तो पहले महीने में आपकी 3 लाख हो गई, दूसरे महीने तक आपके 6 लाख हो गए, तीसरे महीने तक 9 लाख हो गए, 12, 15 इस तरीके से ये ऐड होते जा रहे हैं, राइट। तो ये आपकी टोटल डिसबर्समेंट हो गई। तो ये जो प्री ईएमआई होता है ये होता है आपका ऑप्शन जिसके अंदर आप सिर्फ इंटरेस्ट भरते हैं। तो इंटरेस्ट भी कौन सा होता है, ये खाली सिंपल इंटरेस्ट होता है, राइट, सिंपल इंटरेस्ट ओनली, मैं यहां लिख देता हूं। तो अब यहां पे क्या होगा, पहले महीने में मान लीजिए 3 लाख रुपए गए तो 3 लाख का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो वो आ जाएगा 0.71% 3 लाख का 2125 आ गया, राइट। उसके बाद 6 लाख पे आपने कैलकुलेट किया तो ये 4250 हो गया। तो इस तरीके से आपका जब तक ये लोन हुआ 36 लाख पे आपकी 25,500 तक प्री ईएमआई जानी शुरू हो जाएगी, राइट। तो ये आपकी प्री ईएमआई लास्ट तक हो गई, ठीक है जी। तो ये आपकी पहली प्री ईएमआई थी, ये दूसरी, ये तीसरी, इस तरीके से ये आपकी 12वीं प्री ईएमआई हो गई। तो अगर आप ये टोटल प्री ईएमआई का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका फाइनल
टोटल प्री ईएमआई के अंदर जो अमाउंट गया वो 1,65,750 गया, राइट। तो हमारा प्री ईएमआई के अंदर हमने टोटल इंटरेस्ट कितना भर दिया एक साल के अंदर, 1,65,750। अब अगर हमको ये टोटल इंटरेस्ट पेबल निकालना हो 21 साल का, तो ये कितना हो जाएगा, ये पहले हो जाएगा आपका फुल ईएमआई जो आपने 20 साल की ईएमआई भरनी है, ये प्लस ये, तो आपका ये टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 40,63,743 रुपए, राइट। तो ये एक्चुअली 1+2, तो एक्चुअली प्री ईएमआई के केस में आप इंटरेस्ट रेट ज्यादा भरेंगे। तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा और ग्राफिकली आपको समझा देता हूं। अब हो क्या रहा है कि प्री ईएमआई के केस में जब तक ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, मान लीजिए ये जो पहला साल है आपका, ठीक है जी, ये आपका मान लीजिए ये जीरो डेट है, ठीक है जी, ये एक साल तक आपकी डेट है, यहां पे आपने भरा प्री ईएमआई, ठीक है जी। उसके बाद ये एक साल से दोबारा से 20 साल का काउंटडाउन शुरू होगा, ठीक है जी, यहां पे आपको ये फुल ईएमआई भरनी ही पड़ेगी, ठीक है जी। ये हो गया प्री ईएमआई का केस। लेकिन अगर आपने ये ईएमआई डायरेक्ट भरी होती तो आप डे जीरो से 20 साल तक, यहां तक ही 20 साल खत्म हो जाते, ठीक है जी, तो ये आपको फुल ईएमआई भरनी होती तो आपका जो लोन अमाउंट है वो 20 साल के अंदर उतर जाता, लेकिन इस केस के अंदर ये 21 साल तक जाएगा, ठीक है जी। तो ये 20 साल तो ये वाले हो गए और एक साल ये हो गए, तो इस वजह से ये 21 ईयर्स तक आप रीपेमेंट करेंगे। तो एक साल की जो प्री ईएमआई है ये इंटरेस्ट रेट एडिशनल हो जाता है, तो यहां पे इस वजह से ये आप इंटरेस्ट जो है वो एडिशनल भर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्री ईएमआई का एक्चुअली फायदा क्या होता है और आपको किस केस में लेनी चाहिए और ईएमआई का क्या फायदा होता है। तो अगर आपको ये प्री ईएमआई चूज करनी है तो वो किस केस में चूज करनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास इनिशियल कुछ सालों में पैसा नहीं है ज्यादा, मान लीजिए आप रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है जी, तो हो सकता है आप 20,000 रुपए का लेट से पर मंथ रेंट भर रहे हैं, तो आप पहले वाले केस में अगर आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे प्री ईएमआई की, तो आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में 2,500 रुपए भर रहे थे आप, राइट। तो आपका 2,500 रुपए प्लस 20,000 आपका जो आउटफ्लो होगा वो करीब 22,500 रुपए का होगा। धीरे धीरे करके ये बढ़ता रहेगा प्री ईएमआई और ये आपका करीब करीब 45,000 का हो जाएगा फाइनली, जब आपकी जो प्री ईएमआई आप लास्ट भरेंगे, हमने 25,000 की देखी थी, राइट। तो ये अगर लास्ट फाइनल जो आपकी प्री ईएमआई होगी, मैं लिख भी देता हूँ, 25,500 के आसपास थी, तो आपका टोटल आउटफ्लो ये करीब 40,000 का आएगा, 45,000 का आएगा। लेकिन अगर आप फुल ईएमआई भरना शुरू कर देते तो डे वन से आपको 20,000 प्लस 31,000 की ईएमआई भरनी शुरू हो जाती, तो आपका आउटफ्लो जो होता वो 51,000 का हो जाता फुल ईएमआई के केस में, राइट। तो अगर आप प्री ईएमआई लेते हैं तो आपका ये जो आउटफ्लो है ये कम होगा। अगर आपका पास लिमिटेड आप बजट बना के चलना चाहते हैं, आप रेंट पे रह रहे हैं, तो आपके लिए बेटर है कि आप प्री ईएमआई ऑप्शन चूज कर लें, और जब आप अपने घर में मूव करेंगे तो आपका रेंट बंद हो जाएगा और आपकी ईएमआई फुल स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा क्या रीजन होता है, अगर मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया है एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर, तो हो सकता है आप खाली पोजेशन तक उसको बेचना चाहें, तो उस केस में भी प्री ईएमआई का ऑप्शन सेंस बनता है, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आप बहुत ज्यादा अपना पैसा लॉक करें, खाली इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए है, तो आप डेफिनेटली प्री ईएमआई में जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप जो ये डिफरेंस है ईएमआई और प्री ईएमआई का, हमने पीछे देखा कि अगर आप ये 31,242 की हर महीने भर रहे हैं, मान लीजिए 31,242 रुपए की 12 महीने तक आप ईएमआई भरते हैं, तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, 3,74,904 रुपए, राइट। लेकिन अगर आप प्री ईएमआई भरते हैं, प्री ईएमआई के केस में आपका जो टोटल आ रहा था वो करीब 1,65,000 आ रहा था, 1,65,750, ठीक है जी। अब इनका जो डिफरेंस जो है वो करीब 2,00,000 रुपए का आता है। अब ये 2,00,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको अगर आप मोर देन 8.5% पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मान लीजिए, तो हमारा जो ये होम लोन का इंटरेस्ट है 8.5%, अगर आप इससे ज्यादा कहीं किसी इन्वेस्टमेंट से कमा सकते हैं तो आप ये वाला पैसा वहां इन्वेस्ट कीजिए और आप प्री ईएमआई का ऑप्शन उस केस में भी चूज कर सकते हैं। बट ज्यादातर लोगों के लिए ये एक हेडेक हो जाता है, सैलरीड क्लास के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो डेफिनेटली ईएमआई का ऑप्शन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको ईएमआई के ऑप्शन में ही जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास मान लीजिए एक्स्ट्रा कैश की कुछ इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, या कोई आपने कोई गाड़ी खरीदनी है, या कोई और कैश की रिक्वायरमेंट है इमीडिएटली, तो होम लोन काफी सस्ता होता है, उसके लिए भी आप प्री ईएमआई का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद फुल ईएमआई का ऑप्शन आपको कब चूज करना चाहिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको फुल ईएमआई का ऑप्शन चूज करना चाहिए, क्योंकि आप अपना लोन जल्दी से जल्दी भरना चाहेंगे, राइट।
क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो बहुत इन्वेस्टमेंट सेवी हो और इंटरेस्ट रेट से ज्यादा के वो रिटर्न्स निकाल पाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट से, होम लोन के इंटरेस्ट रेट से एफडी के रेट हमेशा कम मिलेंगे आपको, राइट? तो अगर आप मान लीजिए कंस्ट्रक्शन डिले होने लगती है, मान लीजिए 2 साल की जगह अगर प्रॉमिस किया है बिल्डर ने तो वो 3 साल हो गए हैं, 3.5 साल हो गए हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा, इंटरेस्ट अमाउंट होगा, वो एक्यूमुलेट होता जाएगा और इंटरेस्ट काफी बढ़ जाएगा। तो उस केस में बेटर यही है कि आप अपना फुल ईएमआई स्टार्ट कर दें जल्दी से जल्दी। और अगर आप मान, जैसा मैंने पहले कहा, अगर आप ज़्यादा रिटर्न्स नहीं निकाल सकते हैं, अगर आप 8.5% से कम रिटर्न निकालते हैं किसी और इन्वेस्टमेंट में, तो उससे बेटर है कि आप अपनी फुल ईएमआई भरें और अपना होम लोन जल्दी से जल्दी उतारें। अब हम एक टैक्स बेनिफिट्स भी देख लेते हैं कि ईएमआई और प्री ईएमआई के केस में क्या होता है। एक्चुअली दोनों के टैक्स बेनिफिट्स सिमिलर ही हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। सेक्शन 80C के अंदर एक तो आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं होम लोन पे। सेक्शन 80C के अंदर क्या है कि आपका 1.5 लाख का बेनिफिट है एज ऑन फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की अगर मैं बात करूं, तो आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन ईएमआई या प्री ईएमआई दोनों के केस में कंस्ट्रक्शन पीरियड में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता है। तो प्रिंसिपल रीपेमेंट का जो बेनिफिट है वो जब आपको पोजेशन मिलता है उसके बाद ही स्टार्ट होता है, चाहे वो ईएमआई का केस हो चाहे वो प्री ईएमआई का केस हो। उसके बाद सेक्शन 24 के अंदर आपको इंटरेस्ट पे जो कर रहे हैं उसके ऊपर आपको मिलता है बेनिफिट, और वो कितना मिलता है, 2 लाख पर एनम का, यहां मैं पर एनम लिख देता हूं, फ्रॉम लॉस, लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो हर साल इंटरेस्ट की वजह से आपका जो लॉस हो रहा है उसमें आप लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी में 2 लाख पर एनम का इंटरेस्ट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और ये कैसे क्लेम कर सकते हैं, ये जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन होता है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी जो आपका एक्यूमुलेट हुआ है इंटरेस्ट पोर्शन, ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अगले 5 साल तक आफ्टर पोजेशन, यहां पे पोजेशन भी आप वर्ड ध्यान दीजिए, तो आफ्टर पोजेशन 5 साल तक आप हर साल 2 लाख का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। तो ये भी ईएमआई और ईएमआई एंड प्री ईएमआई दोनों के केस में ये एप्लीकेबल है। तो टैक्स बेनिफिट्स दोनों के केस में सिमिलर ही हैं। तो आई थिंक मैंने सारे मेजर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं प्री ईएमआई के ऊपर कि प्री ईएमआई एग्जैक्टली होता क्या है और आपको प्री ईएमआई किस केस में चूज करना चाहिए और फुल ईएमआई किस केस में चूज करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर लें। अगर आप कोई फ्यूचर टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं वीडियोस के लिए तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, और लेटेस्ट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।